नमस्कार, आप सितयोग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही निधन हो गई है। निधन के बाद उसे सदर अस्पताल औरंगाबाद पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हम चलते हैं, कुछ लोग उनके साथ आए हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला था और कहाँ का युवक था, क्या कुछ मामला था। देखिए, मृतक जो है ललित कुमार दास तेलडीहा गांव का रहने वाला है, दिहाड़ी मजदूर है, काफ़ी गरीब व्यक्ति था और मजदूरी करके वापस आ रहा था। इसी क्रम में अनियंत्रित तरीके से लापरवाही पूर्वक गाड़ी जो चला रहा था, चालक के द्वारा धक्का मार दिया गया और वहीं पर घायल होकर गिर गई और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ पर घटनास्थल है, अभी NH का 6 लेनिंग का काम चल रहा है, वाइडनिंग का काम चल रहा है और जिस तरीके से जो निर्माण कंपनी है लापरवाही बरत रही है और रोड सेफ्टी नियमों का जो जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, निश्चित तौर पर कंपनी के लापरवाही की वजह से और चालक चूँकि जो ऑटो व्हीकल जो एक्ट है उन नियमों का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है और लगातार इससे संबंधित विभाग को इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और आए दिन इस तरह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु लोगों की हो रही है। निश्चित तौर पर ये काफ़ी गरीब दिहाड़ी मजदूर था। हमारी मांग है राज्य सरकार से कि मृतक के जो आश्रित हैं वो भी काफ़ी गरीब लोग हैं, तो मृतक के आश्रितों को भी सरकार उचित मुआवजा की व्यवस्था करे और ताकि उनके घर परिवार का परवरिश ढंग से चल सके। घर में कमाऊ पुत्र था, ये एकमात्र कमाऊ पुत्र था और दिहाड़ी मजदूर था बेचारा। इसलिए हमारी मांग है कि इस परिवार के परिवार को कोई परेशानी नहीं हो और घर परिवार सही तरीके से चल सके, इसके लिए सरकार मुआवजा दे और इस परिवार को गरीबी से बचाया जाए। प्रखंड के प्रखंड प्रमुख पंकज कुमार चंद्रवंशी जी पहुंचे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि घटना के संबंध में इनकी क्या। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसके लिए मैं परिवार मृतक के परिवार के प्रति मेरा संवेदना है और हमसे जितना भी बनेगा, प्रखंड के अंतर्गत यह घटना हुई है और जो भी हमसे बन पाएगा हम इनके परिवार के साथ रहूँगा। धन्यवाद। देखिए, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी ने बताया कि मेरे प्रखंड क्षेत्र का मामला है और जो भी इनके माध्यम से जो बन सकेगा ये सहयोग करेंगे। चलते हैं परिजन से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ घटना था उसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, हम वहाँ का निवासी हैं। क्या कुछ घटना है? घटना अनिल कुमार नाम था लड़का के और बगल में रोड के ऊपरी काम करता था और काम करके लंच के समय हो गया था तो खाना खाने के लिए अपना घर जा रहा था और रोड पार करने के दरमियान में एक मोटरसाइकिल आ रहा था जो खियावा का था और उसी मोटरसाइकिल से चोट लगा और चोट लगने के बाद फिर वहाँ से औरंगाबाद में इलाज के लिए आए। इलाज के क्रम में यहाँ से रेफर किया गया और गया जाने के ही क्रम में रास्ता में ही मृत्यु हो गया। जी, क्या करते थे ये? मजदूरी का काम करते थे और मजदूरी करते थे और करने के दरमियान ही लंच का समय हुआ था और घर पर अपना भोजन करने के लिए जा रहे थे उसी दिन। दोपहर का मामला? हाँ, दोपहर का घटना है। कहाँ गए थे लंच करने के लिए? घर जा रहे थे तो रोड पे ही घटना घट गया। NH2 पे काम कहाँ कर रहे थे? काम पेट्रोल पंप के बगल पे गोडाउन है, वहीं पे काम करते थे। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भाई गरीब परिवार से थे, इनको मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, जो भी आर्थिक सहायता है, समझे कि नहीं। बहुत ही गरीब फैमिली से थे और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि मुआवजा, जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। शिवगंज में लगातार इस तरह का लापरवाही के कारण घटना होते रहता है, तो इसको लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी से कुछ मांग नहीं किया आप लोग? बिल्कुल, हम लोग वहाँ भी मांग किए हैं कि जहाँ पे घटना घटा उस क्षेत्र में दत्तपी मोड़ से लेकर शिवगंज जो पेट्रोल पंप है वहाँ के बीच में एक वहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए, जिससे कि आए दिन जो दुर्घटना जो घटता है उस पर रोक लगे। और देखिए, प्रशासन से हम लोग मांग किए कहाँ तक क्या कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि वो आज के डेट में एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। आज से 10-15 दिन पहले भी वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और लगातार वहाँ पर घटना होती रहती है और इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और लेकिन वहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए जिससे कि दुर्घटना में कमी आ सके। ओवर ब्रिज का निर्माण? देखिए, ये परिजन हैं, ये लगातार इन लोग मांग करते रहते हैं कि शिवगंज में ओवर ब्रिज का मांग इन लोग करते रहते हैं। ओवर ब्रिज अगर हो जाती है वहाँ पर तो इस तरह की दुर्घटना में नहीं होगी। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि लगातार उस जगह पर दुर्घटना होते रहती है, सरकार से मुआवजा का भी इन लोगों ने मांग किया है।